राजधानी भोपाल में एक बार फिर से डंपर के पहिए थम गए हैं। डंपर मालिक अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं, जिसके चलते शहर के आउटर में जगह जगह रेत के डंपर खड़े हैं। नर्मदा पट्टी से रोजाना आने वाली रेत की सप्लाई शनिवार रात से बंद है। अपने विभिन्न मांगों को लेकर आज एसोसिएशन की बैठक भी हो रही है। अगर डंपर मालिकों ने हड़ताल लंबी चलाई तो इसका खासा असर निर्माण कार्यों पर भी पड़ता हुआ नजर आएगा। डंपर मालिकों ने जो है हड़ताल बोल दी। आपको बता दें कि जो डंपर है उनके जो पहिए हैं थम गए हैं, जिसके चलते शहर के आउटर में जो है जगह जगह पर ये रेत के डंपर खड़े हुए। आपको बता दें कि नर्मदा पट्टी से लगे हुए जिले जो हैं, यहाँ अलग अलग जगहों से राजधानी भोपाल में लगभग 4 लाख घन फीट जो है रेत सप्लाई की जाती है, लेकिन शनिवार देर रात से जो है सप्लाई बंद हो गई है। भोपाल तक ये जो रेत लाने वाले डंपर मालिकों ने जो है हड़ताल का ऐलान किया है। उनका कहना है कि उनकी कई मांगे हैं जो पूरी नहीं हुई हैं, जिसके चलते वो जो है रेत की सप्लाई नहीं करेंगे। उन्होंने कई आरोप भी लगाए हैं और इसके बाद माइनिंग एसोसिएशन की जो बैठक है उसमें हड़ताल को लेके भी वो अवधि के क्या कुछ रहेगी उसको लेके जो है रणनीति वो भी आज तैयार होने जा रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कई आरोप लगाए। उनका कहना है कि जो भाव में रेत मिलती है उससे उनको कम दिया जा रहा है। इसके अलावा भी और कई सारी चीजें हैं जिनको लेकर आज एसोसिएशन में बैठक होगी और इसके बाद माना जा रहा है कि जो डंपर मालिक हैं वो हड़ताल की राह पर जाने वाले हैं। ये हालात जब बने हैं जब पिछले 3 महीने से जब बारिश का मौसम था, जब जो कंस्ट्रक्शन के काम थे वो बंद थे, लेकिन जैसे ही शुरू हुए हैं तो अब जो है डंपर मालिकों ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अब देखना होगा कि क्या उनकी मांगे मानी जाती है या फिर वो हड़ताल की राह पर जाते हैं। कैमरा पर्सन विपिन के साथ अंजलि सिंह, NH24/7 भोपाल।